आपके अपने YouTube चैनल वर्क स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। अब दोस्तों आपका नेक्स्ट पेपर कक्षा 11वीं का हिंदी विषय का है 7 दिसंबर का। ओके, तो हम यह हिंदी विषय की तैयारी करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। ओके, तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको काव्य खंड, गद्य खंड, वितान, अव्यक्ति माध्यम, महत्वपूर्ण आपको गद्यांश पद्यांश के संदर्भ प्रसंग व्याख्या, आपका लेखक परिचय, कवि परिचय, ये सब मैं आपको बता दूंगा सिलेक्टेड विद सॉल्यूशन के साथ। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, तो आपका पार्ट एक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो कले हम देखेंगे काव्य खंड में पद साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्ति है। इस वाले टॉपिक से 2 नंबर क्वेश्चन आता है, तो इसे 4 से 5 क्वेश्चन बताऊंगा, 2 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे। ओके, पहला क्वेश्चन है सगुण और निगुण धारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, दिया हुआ है आपके सगुण भक्ति धारा के बारे में, तो इसे आप पढ़ लीजिए। ओके, 2 पॉइंट आपके ये दिए हुए हैं। तो इस सगुण धारा में क्या होता है कि क्या है, मूर्ति पूजा की जाती है। ओके, तो या और इसमें जो मूर्ति है उसका कार होता है। ओके, तो ये आपका दिया हुआ, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये आपका दिया है निगुण भक्ति धारा, फास्ट इंसोर आप ले लीजिए। ओके, इसमें निगुण धारा में क्या है, मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता है। ओके, इस प्रकार से आपको 2 पॉइंट तैयार कर लेना है। ये आपका निगुण धारा के बारे में दिया हुआ है। ओके, तो इस प्रकार से आप अंतर लिख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, 2 प्रतिवादी कवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ, फास्ट इंसोर ले लीजिए। 2 प्रतिवादी कवि कौन से, रामधारी सिंह दिनकर की ओंकार और कुरुक्षेत्र रचना हो जाती है, भवानी प्रसाद मिश्र गीत फरोज, शिव मंगल सिंह सुमन, प्रलय सज्जन, ये हो जाते हैं आपके प्रतिवादी 2 कवि और उनकी रचना। ओके, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, शाहवाद की 2 विशेषताएं लिखी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फास्ट में आपको क्या है, इनका क्वेश्चन दिखाऊंगा, सॉल्यूशन बताऊंगा, क्योंकि हमें क्या है जल्द से जल्दी क्या है सभी क्वेश्चन तैयार करने। ओके, तो कभी छायावादी कविता की विशेषताएं आपकी दी हुई है, इसमें कई सारी दी है, 7 से 8 9 दी हुई है, केवल आपको 2 तैयार करना है क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ओके, तो कभी आपको जो 2 याद करनी है वो आप कर लीजिएगा। ओके, आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। ओके, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो इसका भी क्या है, फास्ट इंसोर ले लीजिए। ये आपका दिया है कि भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, तो इंसोर इसका क्या है, फास्ट ले लीजिए। तो इस प्रकार से अपने कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु युग की 2 प्रवृत्तियां लिखी है, तो इसे आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है प्रयोगवादी काव्य की 2 विशेषताएं, तो इसे मैं आपको बता देता हूँ, ये आपकी दी हुई है प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं। ओके, छायावादी, प्रयोगवाद, प्रतिवाद, रीतिकाल, इनकी आप विशेषता तैयार करिएगा, तो यहाँ से आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो ये आपकी दी है प्रयोगवाद की विशेषता। ओके, इसमें भी आपके 6 से 7 दी हुई है, केवल आपको 2 तैयार कर लेना है। ओके, स्क्रीनशॉट इसका क्या है, फास्ट ही ले लीजिए, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, रीतिकाल की 2 प्रवृत्तियां आपको बतानी है, तो रीतिकाल की जो आपकी 2 प्रवृत्तियां ये आपकी दी हुई है, प्रवृत्तियां यानी विशेषताएं। ओके, तो आपकी 2 विशेषताएं ये आपके यहाँ से देख लीजिए। ओके, इसमें भी क्या है, 7 से 8 विशेषताएं दी हुई है, तो आपको केवल और केवल 2 विशेषताएं तैयार कर लेनी। ओके, तो यहाँ से अपना कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे काव्यखंड में जो आपकी पुस्तक चलती है आरोह, इससे भी यह 2 नंबर के क्वेश्चन आता है, तो चलिए इसे देख लेते हैं। पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है। ओके, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट आंसर आप लीजिए। ओके, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है, यहाँ दीवाने का अर्थ है पागल, किसी के प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति दीवाना कहलाता है। कबीर प्रभु की भक्ति में लीन है। ओके, जबकि संसार बायाडम में उलझकर ईश्वर को खोज रहा था, कबीर ने स्वयं को क्या है, दीवाना कहा है। कंप्लीट हो जाता है, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुका है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है कि मीरा कृष्ण की उपासना क्या है, पति के रूप में करती है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ओके, तो किस रूप में करती है, पति के रूप में करती है। ओके, और उनका रूप कैसा है, तो उनका रूप किस प्रकार से दिया हुआ कि मन को मोहने वाला है, क्योंकि वे पर्वत को धारण करने वाले हैं, सिर में मोर मुकुट सुशोभित है, इस प्रकार से स्क्रीनशॉट फास्ट ले लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिया है। ओके, इसके सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट इंसोर ले लीजिए। ओके, तो कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में क्या तर्क दिया है, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट इंसोर आप ले लीजिए। ओके, पॉइंट ने कई पॉइंटों से बताया, 4 से 5 पॉइंट दिए हैं जो इनके तर्क सिद्ध कर रहे हैं। ओके, ये क्या है, कबीर ने बताया कि ईश्वर एक है। ओके, तो इस तर्क को ये सिद्ध कर रहे हैं, फास्ट इंसोर ले लीजिए। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को कहा है परिताप का घर क्यों कहा है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट इंसोर ले लीजिए, कि बहन मायके के मैं अपने परिवार से वालों से मिलने के लिए खुशी में आई है, वह अपने भाई बहनों के साथ बिताए हुए क्षणों को याद करती है, घर पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसका भाई एक जेल में, और वह क्या है, दुखी हो जाती है। इस कारण क्या है, कवि ने कहा है घर को परिताप का घर कहा, कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकेरा है। ओके, कवि ने पिता की किन विशेषताओं को उकेरा है, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट आंसर लीजिए। ओके, इसमें भी आप क्या है, 6 से 7 विशेषताएं दी हुई है, केवल 2 विशेषताएं अच्छे से तैयार करिएगा, आपके लिए कंप्लीट हो जाएगा। ओके, क्योंकि 2 नंबर क्वेश्चन है, तो 2 सब पॉइंट अच्छे से आपको तैयार होने ही चाहिए, कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर का निर्माण किन पंचतंत्रों से हुआ है। ओके, तो इंपॉर्टेंट है आपका, कई बार ये प्रीवियस पेपर में आ चुका। ओके,
भी आपका दिया है कि क्या है, हवा, अग्नि, जल, आकाश, मिट्टी, इन पंच तत्वों से क्या है मानव शरीर का निर्माण हुआ है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, उम्र भर के लिए पलायन क्यों करना चाहता है, जो कवि है वो उम्र भर के लिए पलायन क्यों करना चाहता है, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट इंसॉल ले लीजिए। ओके, गजल कविता में कवि उम्र भर के लिए पलायन इसलिए करना चाहता है क्योंकि कवि के अनुसार नेताओं ने घोषणा की थी कि देश के हर घर में चिराग से रोशन कर देंगे, अर्थात देश के हर नागरिक को क्या है हर सुख सुविधा देंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ, इसी कारण क्या है उम्र भर के लिए कवि पलायन होना चाहता। ओके, नेक्स्ट, चंपा को किस बात पर अचरज हुआ और क्यों। ओके, इसका भी देख लेते हैं, ऐसा सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है कि चंपा को किस बात पर अचरज हुआ और क्यों, तो इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, फास्ट ही दोस्तों इसी शॉर्ट ले लीजिए। ओके, इस प्रकार से अपने कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, अब दोस्तों हम देखेंगे महत्वपूर्ण आपकी व्याख्याएं। ओके, तो आपको पता है आपके पेपर में क्या है, आपकी चार नंबर की आपकी पद्यांश की व्याख्या करने के लिए आती है, चार नंबर के गद्यांश की व्याख्या करने के लिए आती है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे पद्यांश की व्याख्या। ओके, चार नंबर यहाँ से आप पक्के कर लेंगे। ओके, तीन में आपको महत्वपूर्ण क्या है पद्यांश बता रहा हूँ जिनकी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या तैयार कर लेनी। ओके, पहला है हम तो एक करी जाने वाले पद्यांश। ओके, तो वैसे चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, तो ये आपका दिया है हम तो एक करी जाना, ये वाला आपको पद्यांश का संदर्भ प्रसंग व्याख्या तैयार कर लेना। ओके, संदर्भ आपका ये दिया हुआ सीन छोड़ लीजिए, ये आपका प्रसंग है। ओके, और फिर आपकी ये व्याख्या दी हुई इस प्रकार से, सीन शॉट आप फास्ट ले सकते हैं या वीडियो को पुस्तक क्या है पढ़ लीजिएगा तो याद आपका हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से दिया हुआ है, फास्ट सीन शॉट लीजिए, इसके आगे आपकी व्याख्या ये दी हुई है। ओके, इसके बाद आपको विशेष भी लिखना पड़ता है। ओके, तो विशेष के पॉइंट भी आप देख सकते हो। ओके, विशेष मतलब क्या है कि जो ये पद्यांश है इसमें क्या क्या खास बात है, किस कौन से अलंकार का प्रयोग है, कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, किसकी बात की गई है, यह सब आपको विशेष में लिखना पड़ता है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों आपको पद्यांश तैयार करना है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई वाला, तो ये आपका ये दिया हुआ है मीरा का पद्यांश। ओके, इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या तैयार कर लीजिएगा, तो संदर्भ में आपका ये दिया हुआ है, फिर प्रसंग ये दिया हुआ है, इसी सोड़ लीजिए, ये आपकी व्याख्या दी हुई है। ओके, फास्ट ही देखते चलिएगा। ओके, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, इसी सोड़ आप फास्ट ही लीजिए। ओके, बहुत सारे मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। ओके, सब टॉपिक कवर करा रहा हूँ इसलिए मैं आपको फास्ट ही क्या है बताते जा रहा हूँ। ओके, तो अपना कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट आपको पद्यांश तैयार करना है, जैसी बाड़ी कास्ट को काटे ये वाला, तो ये आपका दिया हुआ है, फास्ट इन शॉर्ट आप ले लीजिए। ओके, तो इसका ये आपको इसमें क्या है थोरी के रूप में दिया है, इसमें आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या कर दीजिएगा। ओके, तो संदर्भ तो आपका यही हो जाएगा, आपका प्रसंग इसके अनुसार आपको लिख लेना और ये आपकी व्याख्या दी हुई है। ओके, इसी इन शॉर्ट आप ले लीजिए। इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या। ओके, अब दोस्तों हम देखेंगे क्या है महत्वपूर्ण कवि परिचय। ओके, कवि परिचय आपका तीन नंबर में आता है, लेखक परिचय तीन नंबर का आता है। तो पहले हम देख लेते हैं कवि परिचय महत्वपूर्ण। ओके, तो आपको तीन तैयार कर लेना है, यहाँ से आपके तीन नंबर पक्के हो जाएंगे। पहले कबीरदास जी का, मीराबाई जी का और भवानी प्रसाद मिश्र का, तीनों का तैयार करिएगा, तो तीनों में से कोई ना कोई आ जाएगा और यहाँ से आप तीन नंबर पक्के कर लेंगे। ओके, तो कबीरदास जी का, मीराबाई का मैंने आपको बताया है। ओके, यूट्यूब चैनल पर इनकी स्पेशल वीडियो आई थी। ओके, तो इनकी मैं वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में इनकी वीडियो की लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर यहाँ इन दोनों को तैयार कर लीजिएगा। ओके, भवानी प्रसाद मिश्र का मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन को भी चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं आपकी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं, अब दोस्तों हम देखेंगे गद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियों वाले टॉपिक से, इससे दो नंबर का क्वेश्चन आता है उससे, तो इसे देख लेते हैं। इसमें भी आपको क्या है चार क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करने, छह हैं इसमें, चार मैं आपको सिलेक्टर बता दूंगा। पहले आप ऐसे भी आप छह तैयार कर लीजिए। ओके, पहला है भारतेंदु की किन्हीं दो विशेषताओं को आपको बताना है, तो ये आपकी दी है भारतेंदु युग की दो विशेषताएं। ओके, फास्ट इंसॉल्व लीजिए, थ्योरी में दिया है, दो पॉइंट आप इसमें निकाल लीजिएगा, बस दो पॉइंट में आपको लिखना है। पहला है भारतेंदु युग में विशेषता की राष्ट्रीयता की भावना थी। ओके, दूसरा क्या है देश प्रेम की भावना और राष्ट्रीयता की भावना है, और नेक्स्ट आपको आपको लिख देना है कि इसमें क्या है नए विचारों का रूप दिया गया था। ओके, तो ये आपकी हो जाती है दो विशेषताएं, इस प्रकार से आपको लिख देना है। नेक्स्ट, निबंध किसे कहते हैं, बाबू गुलाम राय के अनुसार निबंध की परिभाषा, इसे आप देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है आपके आगे नेक्स्ट चार क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आत्मकथा और जीवनी में अंतर, रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर, उपन्यास और कहानी में अंतर, नाटक एकांति में अंतर। ओके, चारों तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से आपके दो नंबर पक्के हो जाएंगे और दो दो पॉइंट आपको सबके याद करने होंगे अंतर में। तो पहले हम देख लेते हैं आत्मकथा और जीवनी में अंतर, तो ये आपका दिया हुआ है आत्मकथा और जीवनी में अंतर, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप फास्ट ले लीजिए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपसे है रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर, तो इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया है रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर, दो दो पॉइंट आप इससे बना लीजिए। ओके, इसमें थ्योरी के रूप में दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कहानी और उपन्यास में अंतर, तो ये आपका दिया हुआ है कहानी और उपन्यास में अंतर, इससे भी दो पॉइंट आप थ्योरी में भी लिख सकते हैं या क्या है दो दो पॉइंट बनाकर भी आप लिख सकते हो। ओके, इसके बाद आपका दिया है नाटक और एकांकी में अंतर, तो ये भी आप देख लीजिए। ओके, तो अपना कंप्लीट हो जाता है। अभी तक तो सामने क्या वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिए। ओके, इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, अब दोस्तों हम देखेंगे गद्य खंड से महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, तो गद्य खंड से भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न जिससे आपको क्या है दो नंबर क्वेश्चन आता होगा, इसे देख लेते हैं। गद्य खंड से महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहला है नमक का दरोगा कहानी में कौन सा पात्र आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है और क्यों। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है कि
कौन प्रभावित करता है, तो बंसीधर जो पात्र है वो सबसे अधिक प्रभावित करता है। क्यों कर प्रभावित करता है हमें, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ, क्योंकि वह क्या है, ईमानदार था। ओके, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, कंप्लीट हुआ था। आगे देख लेते हैं, आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व की दो विशेषताएं लिखी। ओके, तो ये आपकी दी हुई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व की दो विशेषताएं, तो इनका फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, जैसे आप लिख सकते हैं कि ये क्या है, 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। ओके, ये मुंह मियां मिट्टू वाले बुजुर्ग थे। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं दो विशेषताएं। ओके, आगे देख लेते हैं, आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित अलुपुद्दीन की गाड़ी कहां और क्यों और किसने रोकी थी। ओके, तो इसका भी देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है कि पंडित अलुपुद्दीन की गाड़ी नमक के दरोगा बंसीधर ने रोकी थी, क्योंकि उन्हें शक था कि कोई रात में क्या है, नमक की कालाबाजारी कर रहा है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, मियां नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है। ओके, तो इसे भी देख लेते हैं। ओके, तो इसमें नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे दूं आपको इसमें क्या लिखना है। आपको लिखना है कि मियां नसरुद्दीन जी हैं वो क्या है, 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। यही कारण है कि उन्हें क्या है, नान भाइयों का मसीहा कहा जाता है। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपको नान भाई किसे कहते हैं। तो आपका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, नान भाई किसे कहते हैं। ओके, नान भाई किसे कहते हैं जो क्या है, कई तरह की रोटियां बनाने का, बनाने और बेचने का काम करते हैं। ओके, उन्हें क्या है, नान भाई कहते हैं। ओके, ये आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट है, पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला। चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें कई कारण दिए हुए हैं कि क्यों इतना समय तक ये क्या है, 2.5 साल तक ये इसकी शूटिंग चली। ओके, तो ये आपके तीन कारण दिए हैं, कोई भी आपको दो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कंप्लीट हो जाता है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मुकुंद गुप्त ने देश को क्या है, अभागी भारत क्यों कहा है। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इसका भी क्या है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया हुआ है, पर इसके आगे एक लाइन और है ये आपकी, तो ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के व्यक्तित्व की दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए। चलिए इसे देख लेते हैं। जैसा सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, जैसा सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो उसका क्या है, फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया है कि लॉर्ड कर्जन के व्यक्तित्व की दो विशेषताएं आपको बतानी है, तो ये आपके दिए हैं दो पॉइंट। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, कंप्लीट हो जाता है। चलिए इसके आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात कैसे पता चली। ओके, तो इसे देख लेते हैं। जैसा सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो उसका भी क्या है, फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, दबा हुआ व्यक्ति एक कवि है, ये कैसे पता चली, जब वो पेड़ के नीचे दब जाता है, फिर क्या एक शायरी सुना देता है, तो इसे लोगों को फिर बताने लगता है कि वह एक कवि। ओके, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया है, गालिब की क्या है, शायरी सुनाने से पढ़ने लगता है। ओके, इसका फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से क्या है, गद्यखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे महत्वपूर्ण मतलब गद्यांश की महत्वपूर्ण व्याख्या। ओके, इनका संदर्भ प्रसंग व्याख्या इसकी भी देख लेते हैं। इससे पहले मैं आपको क्या है, पद्यांश महत्वपूर्ण पद्यांश बता चुका हूँ, जिनकी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या तैयार करनी। ओके, अब गद्यांश देख लेते हैं। तो इसमें आपका पहला है, नौकरी की अवधि की ओर ध्यान मत देना। ओके, ये वाला आपको तैयार करना है, तो इसका आपको ये दिया हुआ है गद्यांश। फिर इसका देख लेते हैं संदर्भ प्रसंग व्याख्या। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है इसमें संदर्भ, फिर इसके बाद दिया हुआ है प्रसंग, फिर इसके बाद दी हुई है व्याख्या। इसलिए सवाल आप फास्ट ही ले लीजिए, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपको गद्यांश तैयार करना है, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती है। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया हुआ है गद्यांश। ओके, सेकंड नंबर का, तो इसमें आपका ये दिया हुआ है, इसमें संदर्भ आपका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद ये प्रसंग दिया हुआ है, इसके बाद ये आपकी व्याख्या दी हुई। ओके, स्क्रीनशॉट इसका क्या है, फास्ट ले लीजिए। इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट गद्यांश है हमारा, मियां नसरुद्दीन हमारी ओर ऐसे देखे, डेस भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे। ओके, जैसा सॉल्यूशन देख लेते हैं, तो ये आपका दिया हुआ है गद्यांश। ओके, तो इसका आपको क्या है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या इसका भी तैयार करना है। तो इसका संदर्भ ये आपका दिया हुआ है, ये आपका प्रसंग है, ये व्याख्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। ओके, इस प्रकार से मैंने दोस्तों आपको महत्वपूर्ण क्या है, गद्यांश बता दिया, उनके संदर्भ प्रसंग व्याख्या। ओके, अब दोस्तों हम देखेंगे महत्वपूर्ण लेखक परिचय। इससे पहले कई परिचय बता दिया है। ओके, अब लेखक परिचय देख लेते हैं, तीन नंबर का ये भी आता है। तो आपको प्रेमचंद, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी जी, इन तीनों का तैयार कर लीजिएगा। ओके, टेलीग्राम में मैं इनका क्या सॉल्यूशन आपको शेयर कर दूंगा। ओके, बाकी आप अपने से बन जाएगा, आपको लेखक परिचय कैसे लिखना है, दो रचनाएं तैयार करनी, भाषा शैली आपको तैयार कर लेनी है। ओके, तीन नंबर के हिसाब से। ओके, तो ये आपको मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर करूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन आपको क्या है, टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हम देखेंगे बेतान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के, जो बेतान आपकी पुस्तक चलती है उससे भी दो नंबर के क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, तो उससे भी देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओके, तो इसमें पहला है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, लता मंगेशकर के गायन की विशेषताएं लिखी है। तो दो विशेषताएं आपको अच्छे से तैयार कर लीजिए दो नंबर के लिए। तो ये आपका दिया विशेषता, सुरीलापन हो गया, कोमल और मुग्धता, स्वरों में निर्मलता, नाद में उच्चता, और पांच में शास्त्रीय शुद्धता। ओके, पांच इसमें क्या है, विशेषताएं दी हुई है, कोई भी दो आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, जो भी आपको याद हो जाए। ओके, दो लेकिन आपको रट लेनी है। तो ये हो जाती है आपके लता मंगेशकर की गायन की दो विशेषता। ओके, नेक्स्ट है, शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में क्या अंतर। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में अंतर। ओके, इसमें भी दोस्तों आपको क्या है, दो अंतर तैयार करना है। इसमें भी आपको 5 से 6 पॉइंट दिए हुए हैं, लेकिन क्या है, दो ही केवल आपको पॉइंट अच्छे तैयार करना है। ओके, पॉइंट के रूप में इसमें अंतर को समझाया गया है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं।
आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता मंगेशकर को भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ क्यों कहा गया है। ओके चलिए इसे देख लेते हैं। तीसरा सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ, फास्ट इसका भी सोड़ आप ले सकते हो। ओके लता मंगेशकर जी को भारतीय गायिका में बेजोड़ क्यों कहा गया है। ओके तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार से मैं आपको बताऊं तो आपने जो विशेषताएं तैयार की हैं वही विशेषताएं आपको लिख देनी है और लास्ट में लिख देना है कि इन्हीं विशेषताओं के कारण क्या है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ कहा गया। ओके तो वही आपको विशेषताएं आपको उसमें एक बार से लिख देनी। ओके तो अपने कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, कुई का मुंह क्या है छोटा रखने के क्या कारण है। ओके कुई का जो मुंह होता है वो छोटा रखा जाता है, उसका क्या कारण। ओके तो इसका भी देख लेते हैं। जैसा सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ, फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसको। ये आपके दिए हुए कई कारण। ओके ये पहला आपका कारण दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप फास्ट ले लीजिए। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। ओके तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके इसमें कारण बताए गए हैं जिससे पता चलता है कि कुई का मुंह क्या है छोटा क्यों रखा जाता है। ओके कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, रेणाजी पानी कैसे कहते हैं। ओके तो ये आपका दिया हुआ, रेणाजी पानी कैसे कहते हैं, तो इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका दिया है, रेणाजी पानी कैसे कहते होंगे, इस प्रकार से अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, कुई की खुदाई करते समय सिर पर धातु का टोप क्यों पहनते हैं। ओके तो ये दिया है कि कुई की खुदाई करते समय सिर पर क्या है धातु का टोप क्यों पहना जाता है। ओके जब खुदाई करते हैं तो ऊपर से क्या है रेत बालू मिट्टी जो ऊपर की होगी वो गिरेगी। ओके उनके ऊपर जो भी खुदाई करेंगे, ओके इसलिए क्या है वो लोग क्या है धातु का टोप पहन लेते हैं, वही बताया गया है। तो इसका भी क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे अव्यक्ति और माध्यम जो आपके लक्ष्य पुस्तक चलती है उससे महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके इससे भी आपको दो नंबर के पेपर में आता है क्वेश्चन। इसमें पहला है आपका जनसंचार माध्यमों के उद्देश्य और विशेषता बताइए, तो आपके ये दिए हैं जनसंचार माध्यम के उद्देश्य, तो इसका भी स्क्रीन शॉट आप फास्ट लीजिए। ओके ये आपके उद्देश्य दिए, ये आपके फास्ट स्क्रीन शॉट लीजिए, ये आपके जनसंचार माध्यम के उद्देश्य। ओके कंप्लीट हुआ था। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंचार माध्यम के क्या खतरे हैं। ओके तो इसे खतरे की बात देख लेते हैं कि खतरे क्या है, तो ये आपके दिए हैं जनसंचार माध्यम के खतरे, तो इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये भी अपना कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकारिता क्या है। ओके पत्रकारिता क्या है, तो इसका भी सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ, पत्रकारिता क्या है, तो इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, समाचार के तत्वों के नाम लिखिए। ओके समाचार के तत्व कौन कौन से हैं, तो ये आपके दिए हैं समाचार के तत्व, नवीनता, सत्यता, स्पष्टता, संक्षिप्तता, सुरुचि, ये सब क्या है समाचार के तत्व। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोजपरक प्रत्यारिता क्या है, तो खोजपरक प्रत्यारिता क्या है, तो इसका भी सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका खोजपरक प्रत्यारिता के बारे में। ओके ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपादन के लिए किन सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है। ओके तो ऐसा सॉल्यूशन आपका ये दिया है, संपादन के लिए किन सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है, तो इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके तो इस प्रकार से हमने कंप्लीट हो जाते हैं अव्यक्ति माध्यम के प्रश्नों के। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्लास 11th हिंदी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं। इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन बताए हैं काव्यबोध, भाषाबोध, ये सब आपको सभी तैयार कर लेना, व्यक्ति माध्यम वितान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही कई परिचय, लेखक परिचय, ओके महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश। ओके ये पार्ट एक है। ओके अब नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें मैं आपको व्याकरण संबंधी काव्यबोध, भाषाबोध, आपके महत्वपूर्ण पत्र लेखन, निबंध लेखन है, ये सब हम क्या है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे पार्ट दो में। ओके और अगर आप बाकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए कहेंगे तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आपको बता दूंगा। ओके तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी दोस्तों डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।